हाय ऑल कैसे हो आप सब वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइन आज मैं जूडियो गई थी और जूडियो से मैं क्या क्या लेकर आई हूँ मैं वो दिखाना चाहती हूँ आपको चलो देखते हैं हेलो देखो मैं यहाँ से तीन पैंट लेकर आई थी जो आप देख रहे हो सब कुछ एट हंड्रेड नाइन हंड्रेड के आसपास है और फिटिंग उसकी बहुत अच्छी है तो गर्मियों के मौसम में यू कैन वेयर दीज एंड उसके बाद में तीन शीट मास्क लेकर आई थी थ्री ऑफ देम आर प्रिटी गुड शीट मास्क में जो सीरम है वो बहुत ही थिन है तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि बहुत स्टिकी है आप पे बहुत अच्छे थे एक विच हेजल का है एक टी ट्री का है और एक हाइलोरानिक एसिड का है ऑल थ्री ऑफ देम आर प्रिटी गुड उसके बाद मैं यहाँ पे नेल पॉलिश लेकर आई थी नेल पॉलिश एक तो पैकेट में आती हैं द पैकेटेड वंस आर नाइन्टी नाइन नाइन्टी नाइन और जो सिंगल वंस हैं सिंगल वंस आर ऑल्सो नाइन्टी नाइन नाइन्टी नाइन बट पैकेट में आपको चार मिलेंगे सिंगल वंस में एक ही आती है और सिंगल में जो पहले आ, मैंने लगाया दैट शेड इज कॉल्ड एज ब्रॉन्ज एस एच ब्रॉन्ज है एंड ट्वेल्व शेड पे है वो इट इज़ प्रेटी गुड वन स्वाइप में ही उसकी कलर आ जाती है बट उसके बाद जो है लेवेंडर वाली जो शेड है एल ज़ीरो थ्री उसकी दो तीन बार लगाना पड़ता है एंड नाउ विच यू सींग मी अप्लाइंग इज़ दैट जूडियो का एटीन नंबर शेड एंड देन इज़ फोर्टीन ये सारे जो शेड्स हैं ना इसकी एक बारी कलर पे ऑफ बहुत अच्छा है एंड द शिमरी शेड्स विच यू आर सींग उसमें से यू कैन अप्लाई देम ऑन द प्लेन नेल पॉलिश जो मोनो नेल पॉलिश है ना उस पर आप अप्लाई कर सकते हो रादर दैन द मेटेलिक नेल पॉलिश वॉट वी यूज राइट ना और उसके uh, दोनों के जो शेड्स हैं ना वन इज थर्टी थ्री एंड द अदर इज थर्टी सिक्स एंड दोनों शेड्स काफ़ी अच्छे हैं नील पॉलिश आर टू गुड और एक बारी कलर पे ऑफ में है और उसके बाद न्यूड शेड्स में भी मैं जो लाई थी ना न्यूड शेड आर ऑल्सो टू गुड मतलब ब्राउन स्किन पे तो बहुत अच्छी लग रही हैं तो आई वुड गिव अ कम्प्लीट थम्स अप फ्रॉम माई एंड और यहाँ पे देखो मैं कैसे शक्ल बना रही हूँ दिस इज़ बिकॉज यहाँ पे मैंने जो जूडियो का कॉटन पैड्स लाई हूँ इसमें से बहुत अच्छा इसका मेकअप रिमूव करता है एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत अच्छे से रिमूव करता है और फिर मैं यहाँ पे लेकर आई थी क्लचर्स क्योंकि मैंने अभी बाल काट दिए छोटे छोटे कर दिए तो क्लचर्स चाहिए मुझे और उसके बाद मैंने कलर्ड काजल लाई थी ब्लू कलर का एक काजल है जो कि आपने रील में देखा होगा या मैंने रील में बहुत बारी काजल लगाया हुआ था तो इट्स अ ब्लू कलर काजल तो बहुत अच्छा है उसका पे ऑफ भी बहुत अच्छा है एक ही बार एक स्वाइप में ही उसकी कलर पे ऑफ़ आ जाती है और फिर मैंने ब्लैक आई लाइनर थी एंड ब्लैक आई लाइनर वॉज ऑफ नाइन्टी नाइन रुपीज़ एज़ आप ऑलरेडी देख चुके हो उसके बाद uh, मैं आई लाइनर भी लगाई हूँ जो मैं आपको एक रील में दिखाऊंगी uh, इसकी आई लाइनर इज़ ऑल्सो वेरी गुड इट इज़ वाटर प्रूफ अगर आप उस पर सेटिंग मिस्ट लगाते हो विच इज़ ड्यू वी तो वो बिल्कुल भी पे ऑफ मतलब इट डजन स्वाइप डाउन और ट्योरी में ऐसा पूरा नीचे ऐसा नहीं आ जाता है और फिर मैं लेकर आई थी जूडियो से वनिलाला लिप बाम विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड और इट हाइड्रेट्स योर लिप्स बट नॉट लाइ द वेलिन वन इट इज वेरी लाइट ऑन द लिप्स जैसे वेजलिन बहुत पूरा रात भर रहता है एंड इट हाइड्रेट्स यूर लिप्स वेरी नाइसली वैसा नहीं है बट या इट इज़ गुड और उसके बाद मैं लिप्स uh, के लिए लेकर आई थी जूडियो से प्लम्प लिप ग्लोवस वो जैसे ही लगाओगे ना आप uh, वो थोड़ा सा इट विल गिव यू अर टिंकलिंग सेंसेशन ऑन योर लिप्स बट इट इज डजेंट फिल्ज अप यूर लिप्स सो मच दैट यू विल फील लिटल लॉकवर्ड वैसा बिल्कुल भी नहीं है अच्छा लगता है वो लिप्स पे उसके बाद आप जो देख रहे हो लिप लाइनर देख रहे हो लिप लाइनर इज अ रेड लिप लाइनर प्लेन रेड लिप लाइनर मैं जब भी लिपस्टिक लगाती हूँ मुझे वह अच्छा लगता है इसीलिए द रेड लिप लाइनर ऑल्सो गोज विथ एवरी अदर लिप शेड दैट विच एवर आई अप्लाई तो इसीलिए मैं लेकर आई थी और और उसके बाद मैं लिप्स के लिए दूसरा लिप ग्लॉस भी लेकर आई थी बट आईम नॉट अवेयर ऑफ इसका शेड कौन सा है उसके बाद लिप ग्लॉस भी लेकर आई थी पिंक क्रिस्टल पर विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड जी जीरो जीरो फोर है उसका शेड विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो बेल बटन है ना उसको दबा दीजिएगा थैंक यू बाय